तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, इस वक्त मैं अपने घर पर सो रहा हूँ और मेरा भूत तुम्हारे सामने खड़ा है। बकवास मत करो शॉर्ट। क्या कर रहे हो तुम? और तुम अंदर आए कैसे? ओ मैडम, ये माता की चौकी मैंने ऑर्गेनाइज करवाई ताकि आप और हम एक दूसरे से मिल सके। क्या? शॉरी, देखो, छोड़ो, जाने दो। शॉरी, देखो, अगर चाची ने देख लेना तो तुम जेल चले जाओगे। तुम्हें 50 फीट की दूरी पर रहने का ऑर्डर मिला है ना? तो तुम खुद क्यों नहीं मुझे भेज दीजिए? मैं एक आई स्वेयर, आंखें बंद करके ना मुस्कुराते मुस्कुराते जेल चला जाऊंगा, पर तुम्हारी चाची के हाथ नहीं आऊंगा। तुम चाहते क्या हो? प्रॉब्लम्स और क्यों बढ़ा रहे हो? मैं कल थिएटर में बात अधूरी रह गई थी, बस वो पूरी करने आया हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें सुननी पड़ेगी जो मेरे दिल में है। शौर्य, प्लीज जाने दो, प्लीज। महक, महक, प्लीज मेरी आंखों में देखो। महक, महक, मैं तुमसे चाची, चाची, अरे चाची से नहीं, तुमसे। चाची आ गई। महक, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू तो हलवा लेने आई थी। हाँ, वो बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ खड़े होकर सबको खाते हुए देख रही थी। तो बस, कहीं किसी को कुछ जरूरत तो नहीं है? सब्जी खत्म हो गई है, मैं ले लेती हूँ। मैं लाती हूँ ना चाची। चाची, आप जाओ ना, मैं लाती हूँ ना, मैं लाती हूँ, आप जाओ। महक, तू ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, जल्दी आ। छोड़ो, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज, मेरे खातिर। अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई ना तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। जा रहा हूं, यहां से। आंसू बहुत भाए तुमने मेरे, अब जाकर इनकी कीमत पता लगी है। मैं एक वादा रहा हूं, आज का दिन खत्म होने से पहले जो बात मैं तुमसे करने आया था वो मैं करके रहा हूं। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी करूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी